नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक जी, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आज यूपी की बहराइच का मामला बड़ा गर्म रहा। बहराइच आज थोड़े ही गर्म है, पिछले तीन दिन से यानी दशहरा से लेके अब तक, दशहरा के दिन जो शुरू हुआ सुलगना, वो आज पूर्णिमा के दूसरे दिन भी जारी था। आखिर बहराइच जला क्यों, पहला सवाल, और इसे जलाने वाले कौन थे, दूसरा सवाल। क्या सियासी नुकसान और फायदे के लिए जला दिया गया, तीसरा सवाल। और इन्हीं तीन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे आलोक जी के साथ। तीन सवालों को अगर हमने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि बहराइच का पूरा मर्म समझ लिया। बड़े गंभीर सवाल हैं तीनों, तीनों बड़ी जिम्मेदारी के सवाल हैं। नंबर एक, बहराइच जला क्यों? नंबर दो, जलाने वाले कौन लोग थे? और नंबर तीन, सियासी फायदा और नुकसान। और जो अंतिम वक्तव्य का सवाल होगा वो ये होगा कि राम गोपाल मिश्रा की मौत और आज का एनकाउंटर, जो दो लोगों को गोली लगी, सरफराज एक और, इसके सियासी रसूख क्या है या इसके सियासी पहलू क्या है। थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई थी, 7 बजे जैसे ही खबर ब्रेक हुई एनकाउंटर की, तो उसमें हमने सब दिखाया। अखिलेश यादव ने क्यों विरोध किया हमने दिखाया, डॉक्टर ने क्या कहा जिसके पास सरफराज गोली लगने के बाद पहुंचा, हमने दिखाया जो उसकी बहन का वीडियो वायरल था जो साफ कुछ अलग बयां करता है। और ये सरफराज की बहन का नहीं वीडियो बयां करता है, ये मंगेश की बहन का भी बात वीडियो बयां कर रहा था, ये अनुज प्रताप की बहन का भी वीडियो बयां कर रहा था, तीनों बहनें। यहां मैं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहा, यहां मैं तीनों भाइयों की, तीनों बहनों का जिक्र कर रहा हूं। मेरे तीन सवाल, तीन बहनें, तीन भाई। अपराधी का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, अपराधी को जो सजा दी जाए वो कम से कम है। लेकिन सियासी फायदे के लिए नहीं। मैं इसमें एक चर्चा पर चर्चा भी बात करूंगा आलोक सर से। सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है कि उपचुनाव में बाजी मार ली, और मैं तो सिर्फ कल एक चीज से बहुत आहत हूं, जितना मैं रामगोपाल मिश्रा की मौत से आहत हूं उतना ही मैं उन वरिष्ठ पत्रकारों की पोस्ट से भी आहत हूं जिन्होंने झूठ फैलाया और फिर बहराइच पुलिस को सामने आने पड़ा उस बात की सफाई देने, जिसे दंगा रोकने के लिए, जिसे झगड़ा फसाद रोकने के लिए, जनजीवन सामान्य करने के लिए पहल करनी थी वो उसके लिए सफाई देती नजर आई। इस वीडियो को देखें जरूर, समझें जरूर, और अगर आप में मानवीय संवेदना और चेतना बची है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये घटिया हरकत क्यों कर रहे हैं, और अच्छा है तो धन्यवाद जरूर देना। आलोक सर, ये पहला सवाल आपने क्या पूछा था कि बहराइच जला क्यों? बस बहराइच जला इसलिए कि नफरत की जबरदस्त खेती की गई है पिछले कुछ सालों में, इस वजह से बहराइच जला। बहराइच इसलिए जला कि प्रशासन सो रहा था,
प्रशासन मौके पे गायब था, मौके से गायब था। शुरुआती घटनाक्रम देखिए तो दिन में 3 बजे करीब पहला विवाद होता है, उसके थोड़ी देर बाद फिर विवाद होता है, शाम होते उसको गोली लग जाती है, वो अस्पताल जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद हिंसा फैल हो जाती है। ये सब हुआ है 3 बजे से लेकर रात तक। सुबह जो है पोस्टमार्टम के बाद रामगोपाल मिश्रा की बॉडी जब सौंपी जाती है तो वहां 5,000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रशासन तब भी सो रहा होता है और उसके बाद जो दृश्य आए वो सबने देखे। जानते हैं सुकुमार जी, दोनों तरफ उन्मादियों की फौज बना दी गई है, नफरत करने वालों की एक पूरी फौज खड़ी गई हो गई है दोनों समाज में, दोनों मजहब में, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। भाई हर साल जुलूस निकलता था महाराजगंज में बहराइच के, अगर वहां पे नेता होते, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि होते अगर वहां पे मौके पे, और मीटिंग की गई होती, जब पहली बार विवाद उठा डीजे के गाने को लेकर, डीजे को लेकर बड़े बुजुर्गों ने, प्रशासन ने, नेताओं ने समझा दिया होता तो बात यहां तक नहीं बढ़ती। कोई कह रहा पत्थरबाजी पहले चली, हम मानते पत्थरबाजी हो गई, तो उसका वो भीड़ में वो कौन से लोग थे जिसने रामगोपाल मिश्रा को भड़का दिया, वो छत पे चला गया, छत पे चला गया, उसने झंडा उतार लिया। और आज जो वीडियो आया वो तो बड़ा भयानक है कि वो हरे रंग का झंडा उतार के अपना केसरिया झंडा लगाता है, उसका हरे रंग के झंडे को जब तक लपेट रहा होता तब तक कोई उसको गोली मार देता है। शिवकुमार जी तैयारी दोनों तरफ, मतलब जिन्होंने भीड़ में भड़काया रामगोपाल मिश्रा को, जिसके भीड़ के बहकाने पर ऊपर चले गए, लेकिन दूसरी तरफ वो शांति दूत तो नहीं थे जो बंदूक लेके बैठे हुए थे, वो दृश्य देखा ना वीडियो में? बिल्कुल सर। प्रशासन कहां था, प्रशासन कहां था, पुलिस कहां थी? और उसके बाद आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो वायरल हो गया है, वो फोटो भी आ गई है कि उसको गोली लगी है, उसको तमाम फोटो वायरल होगी रात भर में। सुबह उसकी डेड बॉडी बिना किसी प्रिकॉशन के आप उठा के परिवार को सौंप देते हैं। पहले दिन आपका इंटेलिजेंस सो रहा होता है और इस घटना के बाद भी इंटेलिजेंस सो रहा था क्या बहराइच का? कि आपको पता था कि वहां 5,000 लोग इकट्ठे हो गए, आप जाके डेड बॉडी दे आ रहे हो? कई लोग कहते हैं कि पुलिस ने पहले जो लोग दुर्गा मां दुर्गा की मूर्ति को लेकर विसर्जन पे जा रहे थे उन्हीं पे लाठी चार्ज कर दिया। आप जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो आपको दोनों पक्षों को समझाना चाहिए था ना? बिल्कुल। तो बहराइच तो इन लोगों की वजह से जला है। अब दूसरा सवाल आपका क्या था? पहला तो मैंने बता दिया किसकी वजह से जला, दूसरा सवाल था मेरा जलाने वाले कौन? जलाने वाले हमारे आप जैसे लोग हैं। बड़ा सुन के ताजुब हुआ होगा ना कि हमारे आप जैसे लोग हैं, क्योंकि हर आदमी भूल गया है कि हिंसा से किसी चीज का समाधान नहीं होता है। और ये जो नफरत की पौध खेती की गई है ना पिछले 10 सालों में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान
मीडिया का रहा है और सोशल मीडिया का भी रहा है। इसीलिए हमने कहा कि ये, और नेताओं का तो काम है अपने फायदे के लिए एक दूसरे को लड़ाना, लेकिन जनता को सच बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता को सच बताने की जिम्मेदारी समाज के वरिष्ठ लोगों की है, अधिकारियों की है, और आज के समय में मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, ये लोग, बवाल हो गया बहराइच में तो कुछ पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया कि अब जो है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये कौन लोग थे भाई, ये कौन लोग थे, ऐसे कहां से आते हैं ये लोग? हर चीज में मजहब का एंगल ढूंढ लेते हैं, और दोनों पक्ष जिम्मेदार है। सुकुमार जी, रामगोपाल की मौत पे कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया के, जिनकी दुकान चलती है, एक साहब यूट्यूबर हैं, 2020 की क्रांति में पैदा हुए थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आप किसी के छत पे जाएंगे, उसका मजहबी झंडा उतार के अपना लगाएंगे, और उसमें अगर आपकी जान चली गई तो दोषी आप हैं। ऐसे ऐसे भी नमूने हैं, ट्वीट कर देते हैं, क्योंकि आजकल ट्वीट ज्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं। आपने तो आग लगा दी। उसके बाद सर उसका भी जिक्र कर दो, कुछ लोगों ने ट्वीट ऐसा कर दिया, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही पूरा। नहीं, वो तो बाद में करूंगा ना, अभी तो जो आग लगाई है उसकी भी आलोचना कर रहा हूं मैं। और दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन जब डेड बॉडी दी जाती है, उसके बाद बवाल होता है, गांव देहात कहां कहानी, मतलब ऐसे दृश्य बहुत कम दिखाई देते हैं सुकुमार जी, दिन के उजाले में जो उस दिन दिखे, शोरूम के शोरूम फूंक दिए गए, गांव में लोगों के मकान फूंक दिए गए, अस्पताल फूंक दिया गया, लोगों के सर पे खून सवार हो गया था, और इस खून को, इस भावना को फैलाने में, मैंने कहा जो नफरत की खेती की जा रही है ना पिछले कुछ सालों से, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। वो पार्टियां जो सिर्फ मुसलमानों का वोट पाना चाहती हैं हर हाल में, उन पार्टियों से जुड़े कुछ लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को की मौत को वाजिब ठहराने की कोशिश की, ये उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। और जो पार्टियां मुसलमानों की बताती कि देखो मुसलमानों से डरो, हम तुमको मुसलमानों से बचाएंगे, हमने इनकी, कुछ लोग हैं इसलिए कि एक पार्टी को वोट दे रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है, आप देख लीजिए ना हर जगह क्या होता है इस तरह के दंगों में, आम और गरीब आदमी मारा जाता है। कई लोगों ने कहा कोई घटना होगी तो उसका रिएक्शन तो होगा ही, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था क्या, कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उनको जवाब देना जरूरी है, पुलिस तुरंत क्यों नहीं अपराधियों को गिरफ्तार कर पाई? हाँ, घटना होती है 12 तारीख की रात को, आज खबर आती है कि वो सारे लोग पकड़े गए, दो इनकाउंटर हुआ, दो के पैरों में गोली लगी है, 5 दिन लग जाते हैं। और सुनिए, दूसरे दिन दोपहर में जाके इंटरनेट बंद किया जाता है, जब इंटरनेट की वजह से सारा भसड़ फैल चुका होता है। सुकुमार जी, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब ये गलत हाथों में पड़ जाती है
तो वही वीडियो किसी की भावना भड़का सकता है, वही वीडियो किसी की भावना को शांत कर सकता है। मुद्दा क्या इस देश को लड़ना है? महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक असमानता से। जो स्टोरी डाली है भाई, सब सुन के देख के आंख में आंसू आने लगता है भाई। कई लोग घर वर खाला छोड़ के चले गए, और सबसे बड़ी बात है सुकुमार जी, इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे समझ में नहीं आता सुकुमार जी। इनकी सरकार थी, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के लिए कितने सवाल किए थे अखिलेश यादव से, याद करिए। बिल्कुल है, आज ये जवाब देना। इनके हाथ में पुलिस थी, इनके हाथ प्रशासन है, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? अरे जब पत्थरबाजी हो रही थी कहीं से, उन घरों पे लाठी चार्ज हो गया होता, वहां फोर्स पहुंच गई होती। दूजो पक्ष दुर्गा पूजा की, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए जो हजारों का जनसैलाब लोग थे जुलूस में, वो शांत हो जाते। आपने उस रूप में जाने ही क्यों दिया? और बहराइच की असली बोलती है मुस्लिम इलाका था। अरे चाहे हिंदू इलाका हो चाहे मुस्लिम इलाका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है ना। आलोक सर अभी आप कह रहे थे इस देश को रोजगार की जरूरत है, इस देश में महंगाई कंट्रोल करने की जरूरत है, इस देश में असमानता को समानता में तब्दील करने की जरूरत है, इस देश में भाईचारा कायम करने की जरूरत है, इस देश में नफरत खत्म, सबसे पहले तो इस देश में नफरत खत्म करने की जरूरत है। लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। एक तो पार्टी धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है और विपक्ष जाति के नाम पे लड़ाना चाहता है। हम तो इस जितने देश में मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, बहुत लोगों को नाराजगी लगेगी, जितने दोषी भाजपा है ना, उतनी ज्योति उतनी दोषी राहुल गांधी की सोच भी है। जितने मोदी दोषी है उतने ही राहुल गांधी भी दोषी है। हाँ, पूरे मामले में अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के हर दिन बयान दिया है। आज भी क्या बोले कि भैया इनकाउंटर अगर कारगर होते तो प्रदेश में अपराध रुक गया होता। रामगोपाल मिश्रा की मौत के कारण बता रहे हैं साफ साफ प्रशासनिक लापरवाही थी। प्रशासन ने समय रहते काम वहां पे ले लिया होता, कदम उठा लिया होता, उसके बाद अगले 24 घंटे तक प्रशासन कुछ कर ही नहीं पाया। अगर लखनऊ से एडीजी जोन के जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि वहां अपराध रुक, वहां हिंसा रुक गई, तो क्या वो जितने बड़े अधिकारियों की फौज तो उसमें किसी में काबिलियत नहीं थी? और घटना हो जाती है, पुलिस छोटे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, बड़े पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं। अब आ जाते हैं, चलिए सर तीसरा सवाल ले लीजिए। सियासी फायदे और नफा और नुकसान। देखिए, सियासी फायदा उठाने की भाजपा कोशिश कर रही है, और इसमें उत्तर प्रदेश के जनता के चरित्र की परीक्षा है सुकुमार जी। विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, विपक्ष भी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दोनों में तो कोई दूध का धुला नहीं है।
आज इनकाउंटर हो जाता है सरफराज को और तालीम को, पैरों में गोली लग जाती है, कई लोग आते हैं बयान देना शुरू कर देते हैं सिवाय अखिलेश यादव को। बड़ा बैलेंस बयान दिया उन्होंने, उन्होंने कहा पहले दिन भी कहा था कि राम गोपाल मिश्रा की मौत प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुए हैं। दूसरा उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, उसके पहले भी कहा कि आप इनकाउंटर की नीति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। ऐसा नहीं कि आज सरफराज का इनका हाफ इनकाउंटर, वो बोले थे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर से हो क्या रहा है, प्रदेश में अपराध हो रहा है क्या। उन्होंने मंगेश यादव के इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया था, उन्होंने अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया था है? अगर हर फैसला इनकाउंटर के जरिए ही होना है तो सही बात, अदालत बंद कर दीजिए, सारे संविधान को किनारे कर दीजिए। जानते हैं शिव कुमार जी, लोगों की सोच बदलना है आपको, लोगों के अंदर की नफरत मिटानी है, उसके लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, विपक्ष को भी आगे आना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा और मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा। तो जो सियासी रोटी का आपने सवाल पूछा ना, तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी सियासी रोटी सेकते दिखे हैं मुझे। विपक्ष के करीबी होने वाले दावा करने वाले कई लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की मौत को मतलब उस पर ज्यादा सवाल ही नहीं किया। कई लोग तो कह रहे थे कि अरे वो उन्होंने तो अपनी रक्षा में गोली चलाई है, वो तो आज दिख गया, राम गोपाल मिश्रा ने झंडा उतारा था सिर्फ, और वो भी झंडा आपका झंडा उतार के लपेट रहा था तो उसको गोली लग जाती है। उस छत पे कोई था भी नहीं सुकुमार जी कि किसी को उससे राम गोपाल मिश्रा से जान को क्या अपनी जान का खतरा था। हाँ, राम गोपाल मिश्रा की वो सोच गलत थी, उछल गया भाई, किसी झंडे ने आपका क्या बिगाड़ा है। ये बापू का देश है कुमार जी, हम लोग बचपन में गाते थे कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संदे तूने बंदे तूने कर दिया कमाल। कौन सा ऐसा रंग है जो भगवान का नहीं होता है सर। बापू राम धुन गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। राम गोपाल जी माफ कीजिएगा सुकुमार जी, हम और आप जब छोटे थे कभी कभी दंगे हो जाया करते थे, ऐसा नहीं कि दंगे नहीं होते थे, लेकिन तब इतना नफरत का माहौल नहीं था। अब क्या हो गया है समाज में, अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू उसको सक्की निगाह से देखेगा, अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम आपको शक की निगाह से देखेगा। ये माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है, हम सब पहले हिंदुस्तानी है ना, और हम सब पहले इंसान है। इंसानियत का तगाजा ये कि हम सब इंसान बने। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन हो गई थी 2014, 2019, 2017, 2022, 2024 में, मुद्दा धार्मिक ना होके राष्ट्र प्रेम ना होके, क्योंकि 2019 में उन्होंने मुद्दा बना दिया था, विपक्ष भी एक नंबर का पल्ले दर्जे का बेवकूफ है।
पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद हमारी सेना ने बालाकोट पर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये लगे उस पर सवाल पूछने हैं। विपक्ष भी कम थोड़ी है, इस देश की सेना के स्वर में सवाल उठा देता है। और जिस काम को इस देश की सेना ने किया उसका श्रेय सत्ता पक्ष लेने लगती है। कम कोई नहीं है। बस 2024 में था भाई साहब कि चुनाव जमीनी मुद्दों पर लड़ा गया। भाजपा तो राम मंदिर पे ले जाना चाहती थी, 400 पार्क कराने की बात कर रही थी ताकि वो संविधान बदल दे, लेकिन यूपी की जनता इनकाउंटर से, क्योंकि इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने मुस्लिमों के फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, आंकड़ा देख लीजिए, बड़ी संख्या में इनकाउंटर ब्राह्मणों के भी हुए हैं, राजपूतों के भी हुए हैं, दलितों के भी हुए हैं और ओबीसी का भी हुआ। आज एक वीडियो वायरल है, पता नहीं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, कहीं वो एआई का प्रयोग करके वीडियो तो नहीं बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहां लगा नहीं रहे, लेकिन उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा की पत्नी जो है, अगर उस वायरल वीडियो में कह रही है कि हमको न्याय नहीं मिला, वो उल्टा पुलिस पे आरोप लगा दे रही है कि पुलिस ने पैसे खा लिए और राम गोपाल मिश्रा की जान लेने वालों की जान नहीं ली गई, उनमें से सिर्फ दो को पैर में गोली मारी गई। और जबकि योगी जी ने हमको न्याय चाहिए, हमारे पति की जान ली गई, जिन्होंने हमारे पति की जान ली है उनकी जान ली जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं राम गोपाल जी सुकुमार जी, लेकिन ये भाई आज आप इनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हो, बहुत सही बात है, हमने भी उठाया, लेकिन हमने राम गोपाल मिश्रा की मौत पे भी सवाल उठाया। हो सकता है पुलिस जो कह रही है सही कह रही हो, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जब वो उधर से फायरिंग करते हैं तो किसी जो ऑपरेशन टीम एसटीएफ की होती है उसमें किसी को गोली नहीं लगती है। जैसे इन्होंने दावा किया कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, क्या इन दोनों को सरफराज को और तालीम को ले जाके जहां पे हथियार छुपा थे उनकी बरामदगी कराने ले गए थे। बहन का वीडियो कह रहा है कि 5 दिन कल ही वो सब 4 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिए हैं। नहीं, वो तो वीडियो एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों को आप दिखा दीजिए रुखसाना का वीडियो, ये देखा रुखसाना क्या कह रही है, और ये सुबह से वायरल है क्योंकि आज ही आपने 5 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है जिसमें 2 के पैरों में गोली लगी है, बाकी ऐसे अरेस्ट किए गए हैं। पहला। दूसरा, मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव का भी बयान सुना जाए और इसको बार बार सुना जाए। वो इनकाउंटर नीति पर जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए।
जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उससे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। सुना आपने ना, वो कह रहा है इनकाउंटर का, हाफ इनकाउंटर होने से अब प्रदेश में अपराध तो रुका नहीं। ये समझना पड़ेगा हमको, आपको और सबको, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा। और इस देश में हर आदमी को आगे बढ़ के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा दोनों को। जो लोग मुसलमानों के का तुष्टीकरण कर रहे हैं वो भी मुसलमानों के दोस्त नहीं है सुकुमार जी, बिल्कुल, क्योंकि तो सबसे पहले आप ना हिंदू हैं ना मुसलमान, इस देश के नागरिक। जो हिंदुओं को के तुष्टीकरण में लगा वो भी गलत है, जो मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगा वो भी गलत। चलिए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चूंकि दर्शकों तक हमने अपनी बात, तीनों सवालों के जवाब बड़े विस्तृत आपने दे दिए हैं। सामाजिक दायरे में मैं अपने सभी दर्शकों से बस यही अपील करूंगा, इस वीडियोस को सब जगह पहुंचाइए कि जितना सत्ताधारी दल दोषी है उतना ही विपक्ष भी, सबको मिलकर आना होगा। अमन चैन की बात करनी पड़ेगी, अगर अमन चैन नहीं। एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा दर्शकों से कि कोई भी हिंसा का वीडियो अगर आपके पास आता है तो उसको प्लीज 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 फॉरवर्ड मत कीजिए। आज एक बड़ा अच्छा वीडियो था भाई साहब बहराइच का, कुछ पत्रकारों ने बड़ा जबरदस्त काम किया शिव कुमार जी। एक हिंदू के बगल में एक मुसलमान का घर था, उनमें से एक का घर जला दिया गया था, लेकिन दोनों साथ बैठ के बातें कर रहे थे, बोल रहे थे हमको तो साथ ही रहना है, जिन्होंने जलाया उनको हम जानते नहीं थे। यही असली सच है भाई साहब, यही सच है। शफीक को भी रहना, रफीक को भी रहना है, राकेश को भी रहना, सतीश को भी रहना है, नहीं रहना है तो बस हम लोगों को नहीं रहना है। उन नेताओं से बचिए जो आपको हिंदू और मुसलमान बनाते हैं, जो आपको सवर्ण, दलित, ओबीसी, आदिवासी बनाते हैं, इन नेताओं को पहचानिए। जाति समाज के विघटन से बच जाइए, समय है, अपने बच्चों के लिए काम करिए। इन नेताओं के तो बच्चे विदेश पढ़ते हैं, इन नेताओं के बच्चे इन दंगों में नहीं जाते हैं, इन नेताओं के बच्चे इस फसाद में नहीं जाते हैं, नेताओं के बच्चे कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं, नेताओं के बच्चे दुर्गा विसर्जन की पूजा यात्रा में नहीं जाते हैं, नेताओं के बच्चे भीड़ में नहीं जाते हैं, भीड़ में जाता है एक गरीब का बच्चा। स्थानीय विधायक कहां थे उस वक्त? हर साल इतना बड़ा जुलूस निकलता है, विधायक जी कहां थे? सुरेश्वर सिंह नाम सुनने में आ रहा, उस क्षेत्र से विधायक हैं, वो घटना उस वक्त कहां उपस्थित थे? उनकी लोकेशन सार्वजनिक की जाए, क्यों नहीं पहुंचे मौके पे, कहां गायब थे? घटना हो जाती है, रामगोपाल मिश्रा की जान चली जाती है और उसके बाद दो दिन बाद ही आप पीड़ित परिवार को लेके पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री के यहां। यहां मेरा एक और सवाल है,
कांग्रेस के मुख्यमंत्री 2021-22 की घटना थी, अशोक गहलोत याद करिए मुख्यमंत्री थे, एक बयान दे दिया गया था एक कन्हैया लाल द्वारा, एक धर्मगुरु के खिलाफ एक कट्टरपंथी ने कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनकी जान ले ली थी। किस तरह से जान ले ली थी, बड़ा निशंस तरीके से ली थी, याद करिए, आप सबको याद होगा जी। एक धर्म विशेष पोस्ट ने अशोभनीय टिप्पणी की थी, कट्टरपंथियों ने उसकी जान ले ली। अशोक गहलोत जी उस परिवार से मिलने आए, उन्होंने माफी मांगी, नौकरियां दी सरकारी, पैसे रुपए की जो मदद की तो की। यहां पे भी कट्टरपंथियों ने ही राम गोपाल की जान ली थी, मिश्रा की, लेकिन यहां मुख्यमंत्री को नहीं आने दिया गया। विधायक जी अपनी गाड़ी में बैठा के लखनऊ लेके चले आए, जनता फैसला कर ले कि किस मुख्यमंत्री ने पीड़ित का दर्द अच्छे तरीके से समझा। मैंने उदाहरण दे दिया, अंत में बस यही कहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि दर्शकों को, समाज को, सबको सोचना पड़ेगा, समाज को आगे ले जाने के लिए नफरत का भाव खत्म करना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि इस समय सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके के अनर्गल वीडियो का प्रचार मत करें, बहराइच ही नहीं पूरे देश को इस सुलगती हुई आग से बचाने का प्रयास करें, देश में अमन चैन कायम करें। और इस सबको अकेले शिवकुमार मिश्रा या आलोक पाठक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के 150 करोड़ की पूरी आवाम की जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखा जाए, देश में नफरत ना फैलने दी जाए, देश में उल्टी सीधी बातें प्रसारित ना की जाए, धर्म जाति और संप्रदाय की लड़ाई में देश को आग में ना झोंका जाए। इसी सब के साथ आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।